हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आप अपने व्हाट्सअप का स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हो तो किस तरीके से उसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिना। तो आज यही हम इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाले। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको व्हाट्सअप पर क्लिक करना है स्टेटस, और स्टेटस को पूरा स्टेटस आपको देख लेना है। जैसे कि मैं आपको स्टेटस देख लेता हूँ, ये महादेव का स्टेटस है, वो आपको देख लेना है। उससे पहले आपको एक काम करना है, अपने फाइल या फिर फाइल मैनेजर को उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद थ्री लाइन का ऑप्शन होगा तो उस पर क्लिक करके यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर यहाँ डिस्प्ले हेडिंग फाइल का ऑप्शन होगा तो उसे ऑन कर लेना है। जो ये आपका एंड्रॉयड में जो फाइल मैनेजर ना हो तो यह आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन शायद आपके मोबाइल में होगी भी ज़रूर, कौन सी, ये वाली फाइल होती है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो ना हो तो अपने मोबाइल में फाइल मैनेजर ना हो तो यही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वरना नहीं करनी। तो फाइल मैनेजर को ओपन करता हो, उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिवाइड का, तो उस पर क्लिक करके यहाँ आपको फोल्डर को ओपन कर लेना है। उसके बाद एंड्रॉयड का ऑप्शन होगा तो एंड्रॉयड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो मैं क्लिक कर लिया। उसके बाद यह मीडिया का ऑप्शन होगा तो मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यह व्हाट्सअप का ऑप्शन होगा तो व्हाट्सअप पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से व्हाट्सअप के फोल्डर ओपन होगा तो उसको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद यह मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा तो मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ बहुत ही सब कुछ आपके व्हाट्सअप में चल रहा होगा वो सब यहाँ आ जाएगा। तो यह आपको वो स्टेटस का ऑप्शन ढूंढ लेना है। जैसे स्टेटस का ऑप्शन ये फर्स्ट में है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हो गाइस, यहाँ आपने जो भी स्टेटस देखे होंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेटस फुल्ली वॉच कर लेना है। वॉच करने के बाद ही स्टेटस ओपन कर लेना है। उसके बाद स्टेटस पर प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मूव का, तो जस्ट मूव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मूव हेयर का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कर लेना है, और यह आपको मूव हो जाएगा। स्टेटस आपको बाहर निकाल लेना है, दूसरे फोल्डर में निकाल लेना है, दूसरा कुछ भी नहीं। यह देख सकते हो गाइस, यह मूव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, इसी तरीके से आपको मूव कर लेना है। उसके बाद यहाँ से स्टेटस आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए बिना। तो आई होप दोस्तों हमारे वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।